हाँ बोल लो पण मका सु मका मका એટલે સુ હે મકા એટલે સુ क्या आऊ तारी जोड़े मैं सु करती थी बैठी थी हे हाँ बोलो ने बोलो ना बच्चा आम कर क्या जाऊ छे सु काता 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 बोलना माता आता माता छू पण दीदू मरा काय खबर नहीं पड़ती बैठ क्या छे बोलो ने हाँ सु क्या जाऊ छे बाबा जाऊ छे ना बॉक्स केम लईने आई तू सु आपू ममरा हाँ बोलो ने हाँ नीतू बेटा ओ नीतू बेटा ओ नीतू बेटा ये माँ चको तू फू आम कर फ्लाइंग किस आप फ्लाइंग किस आप बोलो ने देखा ही नित्य देखा ही छे आम कर पपी ले ले नीतू ने आम कर दे बाय बाय पपी ले आया पता नहीं जाते नीतू 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 वाघ क्यों कर वाघ अब वाघ आयो आ बाजू वाघ क्यों करे कर जे इधर कर बोलो ने जो पप्पा आया जो जे पप्पा आया नहीं आया हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हो आप सभी अच्छे होंगे हम भी अच्छे हैं और आज बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग स्टार्ट की हूँ अभी तो मैं और नित्याना थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे यहाँ पे बेड पर और अभी वो नीचे उतरी कब से मम्मा 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 इतना चिल्ला रही है ना एक साथ में एक ही बार मम्मा मम्मा कर रही है और खेल भी रही थी और इतने दिनों से मेरा थोड़ा सा कुछ पर्सनल काम था जो मेरे बिजनेस के रिलेटेड उसकी वजह से मैं व्लॉग ही नहीं शूट कर पाई क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल था ना कि फ़ोन उठाकर कैमरा स्टार्ट करके आप लोगों से बात करना या फिर कुछ भी शूट करना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था फिर भी मैंने कल एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी वो इसी व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी और आप बताइएगा कमेंट करिए कि कैसे हो आप सभी और आपके बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि दिया व्लॉग नहीं डाल रहे लेकिन सॉरी मैं थोड़ी सी बिजी थी उसकी वजह से व्लॉग नहीं गए थे देखो अभी भी चिल्ला रही है मम्मा मम्मा करके और अभी ना 6:30 बज रहे हैं और आज मैं कुछ स्पेशल बनाने जा रही हूँ अभी शाम को समय बात नहीं करने देगी मुझसे और हाँ एक चीज और मेरा ना ट्राइपॉड टूट गया था उसकी वजह से मैं व्लॉग ही शूट नहीं कर पा रही थी अभी मैंने नया ट्राइपॉड लिया है सेम मतलब थोड़ा सा अलग मैं फैन वगैरह ऑन कर लेती हूँ देखो मैं दिखाती हूँ आपको जो मेरा ट्राइपॉड टूट गया था ना ये वाला ट्राइपॉड पूरा टूट चुका था यहाँ से पूरा निकल गया था तो मैं कुछ व्लॉग ही नहीं शूट कर पा रही थी हाथ लेके ऐसे बार बार कैमरा पकड़ना अभी नया ट्राइपॉड आ चुका है ये
ये बड़ा वाला भी है मेरे पास, लेकिन इससे मैं ज़्यादा सूट नहीं करती हूँ क्योंकि नित्या बार बार गिरा देती है। और ये भी आ चुका है, चलो इसको भी लगा लेते हैं, फ़ोन में आप लोगों से बातें करते हैं। और अभी बज चुके हैं 6:30 से थोड़ा सा ऊपर हुआ है। और मुझे बनानी है अभी ग्रीन टी, और नित्या के लिए थोड़ा सा बॉर्नविटा बना के हम लोग पियेंगे, लेकिन वेट कर रहे हैं हस्बैंड की कि वो आएंगे तो साथ में पियेंगे। और एटमोसफियर बहुत ही अच्छा है, कितने दिनों से आपने मेरी बालकनी नहीं देखी ना, लेकिन बहुत धूप गिरती है, सारे पत्ते वगैरह सब जल रहा है। ओ नित्तू देखो देखो, और मैंने बनवाए हैं नए स्टैक्स, कैसे लग रहे हैं बताइएगा मुझे, मैं पहन के दिखाती हूँ। नित्या लेके आई है, देखिए कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना। ये मैंने बनाया lenskart.com से, बहुत ही अच्छे रिजनेबल प्राइस भी मुझे लगे और कुछ अच्छी ऑफर भी चल रही थी, तो एक साथ दो लेंसेस, दो मैंने स्पेक्स बनवाए। और मेरे पुराने वाले तो बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया था, लॉकडाउन से पहले मैंने खरीदा था, उससे भी बहुत ज़्यादा टाइम, और ये वाले बहुत ही अच्छे डिज़ाइन के लग रहे हैं। आप लोग सोच रहे हो कि आप चश्मे पहनते हो, मेरे चश्मे हैं लेकिन मैं घर में नहीं पहनती हूँ, बाहर वगैरह जाती तो पहनती हूँ, और ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं मेरे फेस पे ना, बहुत सूट करते हैं। और ये फ्रेमलेस ही मुझे अच्छे लगते हैं, तो lenskart.com से मैंने करवाए थे। अगर आप ऑनलाइन वगैरह चेक करते हैं ना तो इतना आपको पता नहीं चलेगा। मैं तो आप लोगों से यही सजेस्ट करूंगी कि आप वहां जाकर, यानी कि स्टोर पे जाकर आप लोग से बात कीजिए, तो आपको पूरी जानकारी अच्छी तरह से देंगे। मैंने ऑनलाइन देखा था लेकिन समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैं वहां गई तब मुझे समझ में आया कि भाई क्या चीज़ है। और अभी दियाबत्ती भी करनी है, फिर पहले मैं पीऊँगी ग्रीन टी। और ये सोच रहे हो कि बाल्टी क्यों यहाँ पर रखी है, तो जो मेरा थोड़ा सा काम चल रहा था ना उसी की वजह से इसमें रखा हुआ है अचार बनाकर, क्योंकि बहुत मेरा थोड़ा सा साइड बिजनेस भी चलता है, कुछ घर का ही कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। तो ये अभी अचार वगैरह के सारे ऑर्डर्स थे तो वही सारे कंप्लीट कर रही थी, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला व्लॉग स्टार्ट करने का, इसीलिए। तो चलिए हस्बैंड को पहले फ़ोन लगा लेते क्या कहते हैं वो, उसके बाद आप लोग से बात करते हैं।
तो यहाँ पे मेरी ग्रीन टी बन चुकी है और हस्बैंड के लिए चाय बनाई है। नित्य के लिए मैंने अमूल प्रो बनाया हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने अभी चाय जो है ना वो थोड़ी सी स्किप की है लेने की, और हो सके उतनी ग्रीन टी मैं पी रही हूँ। ग्रीन टी बहुत ही अच्छी रहती है हेल्थ के लिए। तो यहाँ हस्बैंड भी आ चुके थे ऑफिस से, तो फिर मैं आ गई थी चाय नाश्ता बनाने के लिए। तो ये सब रेडी हो चुका है, तो ये दोनों बाहर बैठे हैं नित्या, और वो खेल रही है, तो लेके चलते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. तो अभी चाय नाश्ता हो चुका है हम लोग का, और मैं आ रही हूँ डिनर बनाने के लिए। तो डिनर के लिए मैंने रख दिया है राइस बनाने के लिए, और साथ ही मैं बना रही हूँ चिकन करी, और चिकन पकौड़ा भी बनाऊंगी थोड़ा सा। तो चिकन मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, 2 दिन पहले का है, और मतलब परसों ही लाई थी मैं, और तो एक टाइम मैंने बनाया था। वो रेसिपी आप लोग को इस ब्लॉग में नहीं मिलेगा, मैं नेक्स्ट शेयर कर दूँगी, क्योंकि मैंने लंबा बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ रेसिपी मैंने शूट कर पाई थी, उस दिन ब्लॉग ही नहीं शूट कर पाई थी। तो वो रेसिपी बहुत ही अच्छी है, आप लोग से अलग से वीडियो बना दूंगी। तो यहाँ पे चिकन करी मैं बना रही हूँ, तो चिकन करी बनाने के लिए मैंने लिया था ऑयल गर्म करने के लिए, उसमें जीरा डाला है, तेजपत्ता डाला है, सारे गर्म मसाले जो होते खड़े वो डाले हैं, और अच्छी तरह से उनको पकने दिया। एक बड़ी इलायची काली वाली डाल दी है, और उसमें प्याज डाल दिए, 3 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने काट के, मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने एकदम बारीक काटा हुआ है, और ये भी डाल दिया है, और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और साथ ही मैं अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाला हुआ है, और एक हरी मिर्च भी डाली है, और इन सभी को अच्छी तरह से ऑयल में पकने देना है, और बहुत ही अच्छी तरह से थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन हो जाए, उसके बाद इसमें हम टमाटर डालेंगे। लेकिन टमाटर आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा डालती हूँ, और 1.5 टमाटर जितना मैं डाल देती हूँ। ज़्यादा से जब मैं चिकन करी बनाती हूँ तब ग्रेवी वाली बनाती हूँ, लेकिन आज मुझे थोड़ा सा जल्दी था, तो मैं इस तरह से बना रही हूँ कुकर में, वरना मैं ग्रेवी से बनाकर आराम से मैरिनेट करके फिर मैं बनाती हूँ। लेकिन आज बहुत ही जल्दी मुझे बनाना था, क्योंकि मैं सोच ही नहीं रही थी कि मैं चिकन बनाऊँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो इतना है तो ख़त्म कर देते हैं, फ्रिज में रखा हुआ है, तो फिर इसलिए मैं फटाफट से मैं बनाना स्टार्ट कर दिया। तो प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे ना 1.5 जितना मैंने टमाटर यूज़ किया है इसको मैं डाल दूँगी, और इसको अच्छी तरह से भून लूँगी, और इसके बाद हम इसमें सारे मसाले डालेंगे, जब टमाटर थोड़े से गल जाएंगे उसके बाद। तो यहाँ पे मसालों में मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, मैंने अपने टेस्ट के अनुसार डाला हुआ है यहाँ पर। और लाल मिर्च पाउडर भी थोड़ा सा मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा तीखा पसंद है चिकन खाना इसलिए। और यहाँ पे अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी, और इसको मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे चिकन भी डाल दूँती हूँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद। यहाँ पे नमक भी मैंने डाल दिया है, और चिकन वाली क्लिप जो मैं जब डाल रही ना वो मिस आउट हो चुकी है। तो यहाँ पे चिकन डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया, और इसको ही ऑयल के अंदर फ्राई किया हुआ है, ऑयल के अंदर थोड़ी देर इसको ऐसे ही रख देंगे, छोड़ देंगे और मिक्स करने के बाद। और उसके बाद 5-7 मिनट के बाद इसको धीमी आंच पे रख देना है, और उसके बाद इसमें पानी डालना है, तो इससे अच्छी तरह से चिकन थोड़ा सा फ्राई हो जाता है ऑयल में, उसके बाद पानी डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे मैं अभी पानी भी डाल दूँगी, और कुकर की सीटी लगाने दूँगी 4 विसल आने तक। तो यहाँ पर मैंने 1.5 ग्लास जितना पानी यूज़ किया हुआ है, तो अभी मैं इसको लीड लगा देती हूँ, और इसको 4 विसल आने के लिए छोड़ देती हूँ। तब तक मैं बना लेती हूँ पकौड़े।
और चिकन में ना चार विसल भी आ चुकी है, तो देख सकते हैं कितना यम्मी सा चिकन बन के रेडी हो चुका है। और मैंने इसमें डाल दिया हरा धनिया। तो यहाँ पे चिकन करी रेडी हो चुका है, राइस के साथ मैंने सर्व कर दिया है। साथ ही में चिकन पकौड़ा तो हमने ऐसे ही खा लिया था, तो अभी चलिए हम लोग डिनर भी कर लेते हैं। तो गाइस अभी डिनर हो चुका है और मैंने किया है किचन टॉप क्लीन, उसके बाद बर्तन वगैरह मैंने किए हैं और अभी मैं जा रही सोने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपना ना ड्रिंक जो मैं डेली मॉर्निंग में उठ सबसे पहले लेती हूँ, तो वो मैं यहाँ पे भिगो रही थी, तो इसके अंदर मैंने बना के रखा है फ्लैक्स सीड। तो फ्लैक्स सीड को मैंने रोस्ट करके उसका पाउडर बनाया, जो मैं डेली मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक लेती तो वही मैं यहाँ पे भिगो के जा रही थी। आपने कई बार देखा होगा मेरे वीडियोस में जो मैं फ्लैक्स सीड का पाउडर पीती हूँ, तो बस उसी को मैं यहाँ पे भिगो रही थी। फ्लैक्स सीड के अंदर ओमेगा 3 रहता है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है, तो उसको पीना चाहिए, तो मैं तो डेली अभी पी रही हूँ। और यहाँ पे देखिए पूरा किचन टॉप मैंने क्लीन किया, क्योंकि इतना सारा खाना बनाने के बाद है ना पूरा गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे ऑयल जो कंटेनर रखा हुआ है क्योंकि ख़त्म होने आया था ऑयल, तो थोड़ी देर मैंने निकाल के रख दिया है जिससे बचा हुआ सारा ऑयल निकल जाए। तो यहाँ पे मैं खिड़की बंद कर देती हूँ। और ये देखिए कितने सारे बर्तन थे आज, तो बहुत ज़्यादा बर्तन मैंने घिसे हुए, और कुछ तो बालकनी में भी है। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अच्छे से नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।